नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम में बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूनिट संख्या फोर्थ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण फोर्थ यूनिट में मार्केट्स के चैप्टर हैं। मार्केट में हमने पूर्व के वीडियो में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार और विभेदात्मक एकाधिकार के चैप्टरों का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में पढ़ा है, उससे थोड़ा सा ही सिमिलर है, परंतु जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने अध्ययन किया था कि इसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होंगे, समान समरूप वस्तु होंगी और मूल्य समान रहेगा और प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाया जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होंगे, परंतु इसमें वस्तु इक्वल न होके थोड़ी सी वस्तु में विभेद पाया जाता है, वो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत होता है। प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है और मूल्य में थोड़ा विभेद होता है। इस प्रकार से हम इसमें परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम अल्पकाल में स्थिति देखेंगे कि अल्पकाल में असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि की स्थिति होगी, और दीर्घकाल में अगर कोई भी फर्म या कंपनी ओपन प्रवेश खुली है तो यहाँ पर सामान्य असामान्य लाभ, और अगर प्रवेश अवरोध है तो वो असामान्य लाभ की स्थिति में हो पाएंगी। ऐसा हम परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत सर पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्वप्रथम कोई भी प्रश्न आता है उसकी भूमिका के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, कि भूमिका के अंतर्गत हम बात करें कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की धारणा प्रोफेसर एडवर्ड एच चैम्बरलेन द्वारा 1983 में किया गया, जो कि 1933 में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इन दोनों दृष्टिकोणों में कुछ अंतर था, परंतु एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता का एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वास्तव में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता एक ही अवस्था है। अब बात करें हम अपूर्ण प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा। सामान्य शब्दों में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का अभिप्राय बाजार की उस अवस्था से है जिसमें बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु उनकी वस्तुओं में इतना विभेद पाया जाता है कि वे एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न वस्तु होती है। दूसरे शब्दों में बात करें कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु उन सब पर वस्तुओं में एक दूसरे की वस्तुओं में कुछ न कुछ विभेद या भेद अवश्य होता है, जिससे वह एक दूसरे की वस्तुओं के लिए अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं सिद्ध हो पाती हैं तथा उपभोक्ताओं को मस्तिष्क एक दूसरे से भिन्न होती हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी, जिसमें पहली है इस्टोनियर हिंग के अनुसार कि अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में अधिकांश उत्पादकों की वस्तुएं उनके प्रतिद्वंद्वियों की वस्तुओं से मिलती जुलती होती हैं। प्रोफेसर रिचार्ड एच लेफ्टविच भी कहते हैं कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता मुख्यतया बाजार के एक विशेष प्रकार की वस्तुओं के अनेक विक्रेता होते हैं, और विक्रेता कि वस्तु के किसी न किसी रूप में दूसरे विक्रेता की वस्तुओं से अलग होती है। जब विक्रेताओं की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि एक विक्रेता के कार्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उद्योग एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का उद्योग बन जाता है। अब हम सभी परिभाषाओं के निष्कर्ष रूप से हम बात करें कि निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु वस्तु असमान या मूल्य अलग अलग होता है, और फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। कोई भी फर्म आ सकती है और जा सकती है, तथा विक्रेता द्वारा ग्राहकों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और संपूर्ण बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। जैसा कि उदाहरण के रूप से विभिन्न साबुन के ब्रांड है जिसमें 20 की प्रतिस्पर्धा है, जिसके हम विशेषताओं की बात करें निष्कर्ष रूप से जो परिभाषाओं में आया है, जिसमें पहली होगी बहुत से विक्रेता हो गए, वस्तु में विभेद हो गई, वस्तु थोड़ी सी अलग होती हैं, फर्मों का प्रवेश इंटर जो भी फर्म है वो आ सकती हैं जा सकती हैं, बहिर्गमन आप आदि की स्वतंत्रता होती है,
फर्मों या फर्म का लौजदार मांग वक्र होता है, उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं में अंतर होता है, विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को विशिष्ट सुविधाएं और गैरमूल्य प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम बात करें अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य उत्पादन निर्धारण के अंतर्गत, तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण बाजार की अन्य स्थितियों की तरह करती है। अल्पकाल में इतना कम समय होता है कि फर्म अपने संयंत्र के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकती और न ही नई फर्मों को प्रवेश कर सकती है। अल्पकाल में एकाधिकार के अवस्था में ये स्थिति सामने होती हैं कि एक तो असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या फिर हानि की स्थिति होती हैं, वो हम सचित्र की स्थिति में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में साम्य की बात करें तो अल्पकाल में पहली स्थिति आती है अपने सामने असामान्य लाभ की। अब नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरी स्थिति आती है सामान्य लाभ की, नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरी स्थिति आती है हानि की, लॉस की। ये तीन स्थिति सामने आती हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत। जैसा कि असामान्य लाभ की बात करें तो असामान्य लाभ में यहाँ पर कॉस्ट है वो कम है, कम नहीं है, रेवेन्यू कॉस्ट सॉरी लागतें अधिक होती हैं, रेवेन्यू कम होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ARR MR वक्र क्या होते हैं, गिरते हुए होते हैं। यहाँ पर कॉस्ट रेवेन्यू ले लेंगे, यहाँ पर वस्तु की क्वांटिटी या उत्पादन की मात्रा। तो इस प्रकार से असामान्य लाभ की स्थिति होगी, ये रेवेन्यू आ गया। तो यहाँ पर हम बात करें अब नॉर्मल प्रॉफिट की, इस स्थिति पे जो कर्व काटेंगे जैसे शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट और ये दोनों कर्व मार्जिनल कॉस्ट, तो ये असामान्य की स्थिति होगी। सामान्य लाभ की स्थिति तब होगी जहाँ पर ARMR वक्र पे एवरेज कॉस्ट कर्व, तो ये आ गई अपनी कॉस्ट रेवेन्यू और यहाँ उत्पादन की मात्रा। ये नॉर्मल स्थिति है सामान्य लाभ की, न हानि न लाभ की स्थिति, और दीर्घकाल और अल्पकाल में ही हानि की स्थिति होती है। यहाँ पर लागतें इस प्रकार से होती हैं, लागतें अधिक होती हैं और रेवेन्यू नहीं, लागतें यहाँ पर बहुत अधिक चली जाती है, रेवेन्यू कम, तो उस स्थिति में हानि की स्थिति होती है। हानि की स्थिति में फर्म को मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रूप से जैसे ARMR वक्र इस प्रकार से होंगे, और हानि की स्थिति में यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा रेवेन्यू कम, तो ये स्थिति हानि की स्थिति बन जाती है। शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, तो विभिन्न प्रकार से ये मार्जिनल कॉस्ट। तो इस प्रकार से हम अल्पकाल में तीन स्थिति अपने सामने होती हैं। तो हम अब बात करें दीर्घकाल के अंतर्गत। दीर्घकाल में हम देखें कि दीर्घकाल का इतना लंबा पीरियड होता है जिसमें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति में कार्यशील जो फर्में हैं उत्पादन के सभी साधनों को इच्छित परिवर्तन कर सकती हैं, अर्थात कोई भी फर्म उत्पादन के पैमाने को घटा बढ़ा सकती हैं तथा संयंत्र के किसी भी वांछित आकार का निर्माण कर सकती हैं। सामान्यतः एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति में जब फर्म का प्रवेश खुला होने पर फर्म का साम्य की स्थिति में फर्म असामान्य लाभ या सामान्य लाभ कमाती हैं, जबकि फर्म का अवरोध होने पर दीर्घकाल में असामान्य लाभ कमाती हैं। तो ये स्थिति असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि की स्थिति में तो हमने इस प्रकार से हमने चित्रण कर लिया। अब हम बात करें थोड़ा सा इसका एक संकुचित रूप से भी हम अध्ययन करें तो अल्पकाल के अंतर्गत असामान्य लाभ में यदि अल्पकाल में बाजार की स्थिति फर्म के अनुकूल है तो वस्तु का मूल्य या वस्तु
मूल्य वस्तु की औसत लागत से अधिक है तो फर्म असामान्य लाभ कमाती है। यदि अल्पकाल में वस्तु का मूल्य न हो और फर्म के लिए अनुकूल है न ही प्रतिकूल, तो वहाँ पर सामान्य लाभ, न हानि न लाभ, यहाँ पर AR बराबर AC की स्थिति में होगा। तो यहाँ पर आगम और रेवेन्यू क्यों होंगे, दोनों बराबर की स्थिति में होंगे। अब हम दीर्घकाल में बात करें तो दीर्घकाल में कोई भी फर्म का अगर खुला प्रवेश हो पाता है तब किस प्रकार से, और प्रवेश बाधित होने पर किस प्रकार से क्रियान्वित हो पाता है। दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, कंडीशन प्रथम, कोई भी फर्म का प्रवेश खुला होने पर, प्रवेश खुला होने पर फर्म का सामने, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, प्रवेश अवरुद्ध होने पर, क्या स्थिति होगी, ये हम अवरुद्ध होने पर फर्म का सामने। यहाँ पर प्रवेश खुला रहने पर हम बात करें तो अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों का उद्योग में प्रवेश एवं बहिर्गमन खुला हो तो समायोजन प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि दीर्घकाल में असामान्य लाभ या सामान्य लाभ कमाने की स्थिति में रह पाती हैं, और इस प्रकार से दोनों स्थिति होंगी यहाँ पर, असामान्य लाभ की और सामान्य लाभ की। सामान्य लाभ में मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर लागतें कम होंगी और रेवेन्यू अधिक होंगी, AR MR वक्र गिरता हुआ होके यहाँ पर लाभ की स्थिति हो पाती हैं। ये कॉस्ट हो गया, ये रेवेन्यू हो गया, तो यहाँ पर अपने सामान्य लाभ की स्थिति का चित्रण कर पाते हैं। सामान्य लाभ में रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होंगी, AR MR वक्र इस प्रकार से होंगे, AR पे मार्जिनल शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट काट देंगे, ये सामान्य लाभ की स्थिति हो जाएगी। अब प्रवेश अवरुद्ध होने पर फर्म, अगर कोई भी फर्म प्रवेश नहीं कर पाती या कोई फर्म नहीं आ पाती तो उस स्थिति में फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होगा। असामान्य लाभ का डायग्राम हमें बनाना होगा एग्ज़ाम में। कॉस्ट रेवेन्यू AR MR क्या होंगी, यहाँ पर गिरती हुई होंगी कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और यहाँ पर उत्पादन की मात्रा, तो ये सामान्य लाभ की स्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का प्रवेश अवरुद्ध होने पर मुख्य रूप से असामान्य लाभ कमाती हैं, क्योंकि इसमें लागतें कम होती हैं और आगम अधिक होता है, तो उस स्थिति में फर्म असामान्य लाभ कमाती है। तो अब हम आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत किस प्रकार से मूल्य उत्पादन का निर्धारण होता है। संक्षिप्त में हम दोबारा रिवीजन के रूप में हम देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं, वस्तु में थोड़ा विभेद होता है और क्रेताओं से विभिन्न मूल्य, अलग अलग मूल्य वसूल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होगी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम बात करें मूल्य उत्पादन निर्धारण की तो अल्पकाल में तीन स्थिति सामने होती हैं। अल्पकाल में तीन स्थिति कौन सी होती हैं, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि। और दीर्घकाल में हम बात करें तो दीर्घकाल में कोई भी फर्म अगर ओपन है, मतलब कोई फर्म आ सकती है, जा सकती है, अगर फर्मों का प्रवेश है तो उस स्थिति में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में असामान्य लाभ और सामान्य लाभ होता है। और अगर फर्म का अवरुद्ध है, कोई फर्म नहीं आ पाती हैं, तो ये अपनी देखा जाए तो मोनोपोली की कंडीशन हो गई, क्योंकि एकाधिकार में दीर्घकालीन के अंतर्गत वह असामान्य लाभ ही कमाता था। तो यहाँ पर फर्मों का अवरुद्ध या फर्मों का प्रवेश नहीं हो पाता है, कोई फर्म नहीं आ पाती है, एंटर नहीं हो पाती है, तो
पूर्ण अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत उद्यमी को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या अंतर है और एकाधिकारी और एकाधिकारात्मक या अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।